ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। एमएस एक्सेल 2007 के इस अध्याय में हम सीखेंगे नंबर्स को जोड़ना यानी एडिशन, नंबर्स को घटाना यानी सब्ट्रैक्शन, नंबर्स का गुणा करना यानी मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स को भाग देना यानी डिवीजन, नंबर्स का औसत यानी एवरेज निकालना, सबसे बड़ी संख्या निकालना यानी मैक्स फंक्शन का उपयोग करना, सबसे छोटी संख्या निकालना यानी मिन फंक्शन का उपयोग करना और काउंट फंक्शन का उपयोग करना। आइए अब हम सीखते हैं अलग अलग फॉर्मूलास का उपयोग, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको फॉर्मूलास लिखेंगे, किस तरह से उनका उपयोग किया जाए ये हम सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से एडिशन किया जाए। एडिशन करने के लिए या किन्हीं भी संख्याओं को जोड़ने के लिए हमारे पास तीन अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 और 25, ये दो नंबर्स हमारे पास हैं और मान लीजिए हम इन्हें जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहला, सबसे सरल तरीका तो ये है कि आप इन दोनों संख्याओं को पहले तो सिलेक्ट कर लें और इसके बाद यहाँ पर एडिटिंग ब्लॉक में आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो सम का। ये जो सिग्मा का निशान है ये ऑटो सम का ऑप्शन है, इस पर जाकर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली 125 ये जोड़ हमारे पास आ गया। ये तो हुआ सबसे सरल तरीका। दूसरा तरीका है कि हम फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। ये है हमारा आंसर 125। अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला बार पर ये फॉर्मूला आ गया, सम ब्रैकेट C5 और उसके बाद C6 उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ टाइप करते हैं तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। एक बात और हम आपको बता दें कि जो भी डिजिट्स या जो भी नंबर्स आपको जोड़ने हैं, ज़रूरी नहीं कि उनका जोड़ या उनका जो टोटल है वो उनके नीचे ही आए, पूरी शीट में वो कहीं पर भी आ सकता है, बस आपको सही फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है। कोई भी फॉर्मूला हम लगाएंगे उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम बराबर का निशान लगाएं, है ना। यहाँ पर मान लीजिए हमको फॉर्मूला लिखना है तो हमने बराबर का निशान लगाया और फिर टाइप किया सम, इसके बाद ब्रैकेट लगाया, तो इन दोनों को आप ले लें, ये अपने आप फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। अब ब्रैकेट क्लोज कर दें और इसके बाद एंटर प्रेस कर दें, ये देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से तीसरा तरीका है, या हम कह दें तीसरा फॉर्मूला ये है, बराबर का निशान लगाएं, इसके बाद यहाँ पर जो हमारी पहली संख्या है उसको हम सेलेक्ट करें, ये देखिए यहाँ पर आ गया C5, उसके बाद प्लस का निशान लगाएं, कीबोर्ड पर से प्लस का निशान लगा दें, उसके बाद दूसरी संख्या जो है वो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें, ये देखिए यहाँ पर भी आपका जो एडिशन है या टोटल है एडिशन का वो यहाँ पर 125 आ गया। अब यहाँ एक बात ध्यान रखें कि जब हमने फॉर्मूला लिखा था, ये जो है हमने लिखा है C5 और C6, हमने आपको पहले बताया था कि नेम बॉक्स में आपको ये सेल रेफरेंस मिल जाता है। दरअसल ये जो संख्या है 100, ये C5 सेल में है। C5 से मतलब है C कॉलम और 5th रो। तो बजाय 100 लिखने के हमने C5 लिखा और बजाय 25 लिखने के हमने फॉर्मूला में C6 लिखा। इसका फ़ायदा ये है कि अब अगर हम इन संख्याओं को बदल भी देते हैं तो हमारा जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर संख्याओं को बदलने के साथ ही आंसर भी बदल जाएगा। पर अगर हम फॉर्मूले में सेल रेफरेंस लिखने की बजाय संख्या डालते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हमने C5 और C6 लिखने की बजाय 250 प्लस 25 डाला और एंटर प्रेस किया तो ये 275 आंसर आ गया। पर अब अगर बाद में हम इन डिजिट्स को चेंज करते हैं तब यहाँ दोनों जगह तो आंसर चेंज हो गया पर यहाँ पर आंसर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसने अभी तक वही नंबर्स ले रखे हैं जो हमने यहाँ पर टाइप किए थे। इसलिए हमेशा फॉर्मूले में एडवाइजेबल होता है कि आप नंबर की बजाय सेल रेफरेंस डालें।
आइए अब सीखते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी संख्याओं को घटाना। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना रहेगा, बराबर का निशान लगाएं। इसके बाद हमको चुनना है पहली संख्या, ये हमने सिलेक्ट की। अब आप कीबोर्ड पर माइनस का निशान लगाएं, उसके बाद उसमें से जो घटाना है वो संख्या चुन लें और इसके बाद एंटर प्रेस कर दें। ये देखिए आंसर आ गया। डिवीजन के लिए भी इसी तरह से हमको करना होगा। सबसे पहले बराबर का निशान लगाएं, उसके बाद पहली संख्या सेलेक्ट करें, फिर हम डिवाइड का निशान लगाएं और उसके बाद जिससे डिवाइड करना है उस संख्या को हम सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इसी तरह से करना है। सबसे पहले बराबर का निशान लगाएं, फिर पहली संख्या चुनें और फिर कीबोर्ड पर एक स्टार का निशान होता है जिसको हम कहते हैं एस्टरिक, इसे हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करेंगे, वो प्रेस करें और फिर दूसरी संख्या जिसे मल्टीप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कर लें, एंटर प्रेस करें। ये हमारा आंसर आ गया 2500। अब अगर मान लीजिए कई सारी संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे इस उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी संख्याएं लिखी हुई हैं और हमको एवरेज निकालना है। उसके लिए हम जितनी भी संख्याएं हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एडिटिंग ब्लॉक में यहाँ पर आपको ऑटोसम का जो ऑप्शन मिलता है इसमें एरो पर जाकर के, डाउनवर्ड एरो पर जाकर के क्लिक करें, तो ये देखिए यहाँ पर आपको एवरेज का ऑप्शन मिलता है। इस पर जाकर क्लिक करें और ये अपने आप यहाँ पर जो भी हमारा आंसर है वो आ जाएगा। दूसरा तरीका है कि ये जो फार्मूला बार पर फार्मूला आया है उसे हम खुद टाइप कर लें। बराबर का निशान लगाएं, एवरेज लिखें, ब्रैकेट में फिर हम यहाँ C15 से लेकर के, क्योंकि C23 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से हमको एवरेज निकालना है, इसलिए ये दोनों आपको लिखना होंगे और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। अब हम सीखते हैं कि किस तरह से मैक्सिमम या सबसे बड़ी जो संख्या है उसे कैसे निकाला जाए। उसके लिए हमको मैक्स फंक्शन का यूज़ करना होगा। सबसे पहले तो जितनी भी संख्या हैं उन्हें आप सिलेक्ट करें, उसके बाद वापस एडिटिंग ब्लॉक में एरो पर आप क्लिक करें और यहाँ पर ये मैक्स का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ गया 290, ये सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह से अगर सबसे छोटी संख्या आपको पता करनी है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी सारी संख्याओं को पहले आप सेलेक्ट कर लें, फिर एडिटिंग ब्लॉक में सम वाले ऑप्शन पर जाएं, एरो पर क्लिक करें, ये आपको मिन फंक्शन यहाँ पर मिलेगा, इसको क्लिक करें। ये देखिए जो भी मिनिमम नंबर है या जो भी सबसे छोटी संख्या है वो यहाँ पर आ गई। इसी तरह से अगर आपको चेक करना है कि कितनी संख्याएं आपने लिखी हैं, काउंट करना है जितनी भी वैल्यूज आपने लिखी हैं या संख्याएं लिखी हैं वो कितनी हैं, तो उसके लिए भी आप पहले सारी संख्याओं को सिलेक्ट कर लें, फिर एडिटिंग ब्लॉक में सम पर जाएं, एरो पर क्लिक करें, यहाँ पर काउंट नंबर्स ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर आपका उत्तर आ गया, ये 9 संख्याएं हैं। एमएस एक्सेल 2007 के इस अध्याय में हमने सीखा नंबर्स को जोड़ना यानी एडिशन, नंबर्स को घटाना यानी सब्ट्रैक्शन, नंबर्स का गुणा करना यानी मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स को भाग देना यानी डिवीजन, नंबर्स का औसत यानी एवरेज निकालना, सबसे बड़ी संख्या निकालना यानी मैक्स फंक्शन का उपयोग करना, सबसे छोटी संख्या निकालना यानी मिन फंक्शन का उपयोग करना और काउंट फंक्शन का उपयोग करना।